नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विधिक भारत पर आपका। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कमजोरियों से ना डरें। बहुत पुराने समय की बात है, जब आज की तरह घरों में नल नहीं हुआ करते थे, तब लोगों को दूर तालाब से पानी लाना होता था। उन दिनों बड़े घरानों में पानी लाने का कार्य भिस्ती लोग करते थे। उस समय मणिकापुर के जमींदार जंग बहादुर के यहाँ पानी लाने का कार्य रामू नाम का भिस्ती किया करता था। रामू भिस्ती के पास दो बड़े घड़े थे, जिनमें वह तालाब से पानी भरकर लाता था। उन घड़ों में एक घड़ा सुंदर और साबुत था तथा दूसरे घड़े में एक छोटा छेद था, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था। जमींदार के घर पहुँचते पहुँचते वह घड़ा आधा खाली हो जाता था। जमींदार को हमेशा उस फूटे घड़े की वजह से कम पानी मिलता था। यह सिलसिला करीब 1 साल तक चलता रहा। अब तक साबुत घड़े को अपनी काबिलियत पर काफ़ी घमंड हो चुका था। इधर फूटा घड़ा मन ही मन काफ़ी शर्मिंदा हो चुका था। एक दिन उस फूटे घड़े से न रहा गया। उसने शर्मिंदा होकर रोते हुए रामू से कहा, मालिक, मुझे माफ़ करें, मैंने कभी भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। इस पर रामू बोला, अरे पगले, रोता क्यों है? कल जब हम पानी भरकर वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते में उगे खूबसूरत फूलों को गौर से देखना। दूसरे दिन रामू भिस्ती उन दोनों घड़ों को लेकर तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब में दोनों घड़ों को डुबाया और पानी भरकर जमींदार के घर ले आया। पानी भरकर वापस आने के बाद उस फूटे घड़े ने आधा पानी गिरने की वजह से एक बार फिर से रामू से क्षमा मांगी। इस बार रामू ने आश्चर्यचकित होकर फूटे घड़े की तरफ देखते हुए कहा, मेरे घड़े, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में वह खूबसूरत फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही उगे थे, साबुत घड़े की तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ रास्ते में इन खूबसूरत फूलों के बीज डाल दिए थे और तुम 1 साल से उनको सींच रहे हो। मैं उन फूलों से हर रोज गुलदस्ता बनाकर अपने मालिक जमींदार का घर और ईश्वर का मंदिर सजाता हूँ, जिससे मेरे मालिक और ईश्वर दोनों खुश रहते हैं। यदि तुम न फूटे होते तो यह फूलों की सुंदरता नहीं होती, और ना ही जमींदार का घर घर फूलों से महकता, और ना ही ईश्वर के मंदिर की सजावट होती। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सब में बहुत सी कमजोरियां हैं। हम सब उसी फूटे हुए घड़े के समान हैं। यदि हम सभी अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हुए अपनी कमजोरियों से न डरें और कर्म करते जाएं, तो ईश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी शक्ति में बदल देंगे। हमारे पास क्या नहीं है, उस पर रोने की बजाय जो है उसको हमें ईश्वर से शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम में से कोई भी हर चीज़ में माहिर नहीं। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपनी कमजोरियों को महानता में बदलो। आप कर्म करते जाओ, फल आपको अपना मिलता जाएगा। धन्यवाद।